शास्त्री प्रथम खंड, उपशास्त्री द्वितीय खंड में व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र और प्रयोग प्रश्न है विद्यार्थियों के लिए। सूत्र का अर्थ व्याख्या एवं प्रयोग साधिका के विषय में। इको यणचि अणचि च झलांग झस झसि द्वयोः सूत्रयोः अर्थं विलक्ष्य शुद्ध्युपास्य मध्वरिहि धात्रंशः हरये मुनये विष्णवे नायकः पावकः गव्यम् इत्यादि। तथैव एषु केचित् चत्वारः प्रयोगाः साधनीयः साध्यंता। तो इको जनचि सूत्र, इक स्थाने जनस्यात् अच संहितायाम विषय। इक एक प्रत्याहार, ई ऊ री लिरी एतेषां इक प्रत्याहार घटिक वर्णानां स्थाने क्रमेण यण य व र ल जल प्रत्याहार घटित वर्णा य व र ल एति भवन्ति अचि परे ऐसा है। अनचि च अचः परयो यरो द्विवास्तः, अचः परस्य यरो द्विवास्तः। अच के बाद जो जरड़े, अच से पर जो जड़, उसको द्वित्व हो विकल्प से। झलांग जस जसी झल प्रत्याहार घटित वर्णानाम स्थाने क्रमेण जस प्रत्याहार घटित वर्णा बनती झसी परी। मैंने झल के बाद, अगर झल प्रत्याहार के बाद यदि झस रहे तो झल के स्थान में जस्त होता है। जस मैंने जब अगड़ द, शुद्ध्युपास्य कहा है, सुधि उपास्य सुधि जोर उपास्य है। यहाँ तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेन्तरतम इति सूत्रद्वय सहयोगेन इकारस्य स्थाने इको जनसि इति जन यकार सुध य उपास्य। अनचि च इति सूत्रेण धकारस्य द्वितीय सुध ध य उपास्य। झलांग जस झसि इति सूत्रेण पूर्व धकारस्य जस्ते धकारे सुध ध य उपास्य। यहाँ य का लोप प्राप्त है संयुगान्तस्य लोप। तो कहता है ना, जो कोपरा यण प्रतिषेध वाच्य, यण प्रत्याहार को लोप नहीं होता, नहीं हुआ तो द ध य मिल गया उष तो शुद्धि उपास्य। हरे हरे जोर ए, हरे जोर ए है यहाँ पर में इत्यत्र, यहाँ पर ईचो अवायाव इति सूत्रेण कहता है। ईचो अवाया का क्या है, इत क्रमाद अय अव आय आव इति सूरचि। एच के क्रम से अय अव आय आव आदेश, ये हुआ ए उ ऐ औ। तो हरे में जो एकार है मुने में एकार, उसको अय आदेश हो जाएगा। तो हर अय ए हुआ, र मिला अ से, य मिला ए से हर ए। नायक नई जोड़ का है, यहाँ भी ए चु ए वाय आवा से
ऐको जगह पर में आय हो गया, तो नौ आय अका हुआ, नौ मिला आसे, यो मिला आकाशी नायक पावक पौजूर अका है, पौजूर अका है। फिर यहाँ ये चुयाव यहाँ औ है, औ को आवादेश होता है, आव में बचत आव, तो पौ आव अकह, पौ मिला आशी, व मिला आकाशी पावक, इस तरह का प्रयोग है। गभ्यम गोजूरियम, गोजूरियम यहाँ वांतो जी प्रत्यय उकारस्य अवादीश, अवाद उकारांत जी प्रत्यय को अवादेश हो यम के परे, उकारांत हुआ गो में उकार, उसको अवादेश हो गया जम के परे। गभ्यम चार प्रयोग मांगा गया है, चार इसी तरह किसी में से चार छोड़ दिए, इसी तरह परीक्षा में पूछा जाएगा छात्रों को, ध्यान रहे सूत्र का भी व्याख्या और प्रयोग सिद्धि भी। निम्नलिखित आराम शब्दानाम सूत्र संधि विच्छेदम कुरुता, इस प्रयोग में कहता है सूत्र पूर्वक संधि विच्छेद करने के लिए, रमेश रमेश हरेव श्रीशः ब्रह्मर्षि सच्चित हरिष्येते तल्लय हरिम वंदे, इसने में कहता है सूत्र पूर्वक हरे है, नहीं रमेश है, रमा जो ईशा है, यहाँ रमा में आ है, ईशा में ई है, आदगुना आदगुना से रमा में आ को और ईशा में ई को, अवर्ण के बाद यदि अचरे तो पूर्व और पर के स्थान में गुण होता है, अवर्ण हुआ रामा में आ, आच हुआ ईशा में ही, आ और ई मिल के गुण हो जाएगा एका, तो रमेश हरे, हरे जो रव है, यहाँ अय आदेश की प्राप्ति है, इंग पदांत पदांत इंग हुआ हरे में एका, उसके बाद अत है अब में, अब उसको पूर्व रूप हो गया था हरीब। श्री शह श्रीजोरीशह श्रीजोरीशह है, यहाँ अकाश्यवर्णे दीर्घ, अकाश्यवर्णे दीर्घ, अक के बाद सवर्ण हेतु दीर्घ, अक हुआ श्री में ई, असवर्ण अच हुआ ईशा में ई, ई ई मिल के दीर्घ हो गया तो श्री शह। ब्रह्मर्षि ब्रह्मजोर ऋषि है, ब्रह्मजोर ऋषि है, ऋत्य का ऋति परे पदांता अक प्रागवद, ऋत के परे पदांत अक गुण हो रपरत होता, तब ब्रह्मजोर ऋषि है, प्रकृत भाव हो जाएगा तब ब्रह्म ऋषि, जब गुण हो जाएगा तब ब्रह्म ऋषि। सचित सतजोर चित है, सतजोर चित है, सूत्र लगा अस्तोश्चुना चुह, अस्तोश्चुना जोगे अश्चुत्तम स्या, शकार तवर्ग के बाद शकार चवर्ग की जोग रहने पर दंत सकार को तालव सकार होता है और तवर्ग को चवर्ग होता है, यहाँ सचित है सत्य में तो है, तवर्ग है सत्य में तो, अच्छवर्ग का जोग है चित में ची, इस जोग से तो को अच्युत हो गया चौत सचित। हरिष्येते हरिष जोर सेते है, फिर लगा वही अस्तोश्चुनाश्चु, वही सूत्र है, यहाँ सकार का जोग है हरिष में सो, अशकार का जोग है तालव सेते भी सकार, इसलिए इस जोग से हरिष में सकार को अच्युत हो गया तालव सकार, हरिष सेति तल लय, तत्जोर लय है, तत्जोर लय सूत्र है तोरली,
तवर्गस्य लकारी परिपर्श वर्णा स्यात्। तवर्ग है, उसके बाद यदि लकार रहित लय हमें लौ है, उसको पर्शवर्ण हो गया, पर में है लौ, इसलिए तो को हो गया लौ तल लय। इसी तरह उल्लिखित होता है उत्त जोर लिखित। हरिम बंदे, हरिम जोर बंदे, हरिम में मकार है, जोर बंदे है। सूत्र लगा मोन स्वार, मांतस्य पद संस्वार स्यात् हलि। मांत पद हुआ हरिम में मो, उसको अनुस्वार हो गया। हल कहाँ है, बंदे में, हल प्रत्यार में है बो, इसलिए हुआ हरिम बंदी। इसी तरह और भी प्रयोग सब है, सब प्रयोग को साधनिका में पूछा जाएगा। इसी तरह सब संधि विच्छेद के करने की मुख्य सूत्र दे करके कुछ गुण वृद्धि इत्यादि जो है सबों के लिए जरूरी है, कल आगे फिर बता देंगे। कारक बताए, समास बताए, शब्द रूप संधि, संधि में भी ध्यान देना है इसी तरह। इसलिए अब कल के लिए रहने दें।